हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। और फार्मिंग सिमुलेटर 23 मोबाइल के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है गाइस। जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वाला एपिसोड अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। उसके अंदर गाइस हम लोगों ने मिल्क से चीज बनाया था और उसके बाद जो हम लोगों का फैब्रिक होता है उससे क्लोथ्स वाले पैलेट भी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग कॉटन को हार्वेस्ट करने वाले। यार गाइज मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों का कॉटन देखो कितना सारा, मतलब 15 एकड़ में मैंने कॉटन लगाया हुआ है और इससे कितनी सारी बेल्स निकलेंगी। चलो गाइज देखते हैं। मैंने ना 4 वीडियो से, मतलब 4 दिन से इस हार्वेस्टर को खरीद के रखा हुआ था लेकिन यूज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अभी फाइनली जाकर हम लोग इसको चलाना देखेंगे, मतलब कैसा चलता है ये और कैसे काम करता है। भाई साहब क्या ही जॉइंट, एकदम खतरनाक है भाई ये तो, एकदम खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये, मतलब बूम बाम है भाई डायरेक्टली। ओ ये तो देखो भाई पूरा इसने वाट लगा के रख दी है यहाँ पे। और मैं अभी आप लोगों को थोड़ा पास से दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। और इसको भरने को मुझे एक चीज़ तो पता है कि इतना बड़ा है, इसको भरने को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारा कॉटन ये निकाल लेगा, ये पूरा खेती खा जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, तब जाके ये कॉटन निकालेगा। और मैं इसके बाद है ना गाइस मैं क्या करने वाला हूँ कि इस खेत में गाइस हम लोग कैनोला लगाएंगे। और जो सामने की तरफ देख रहे हो वहाँ पे कैनोला की फैक्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री, वहाँ पर हम लोग कैनोला को डिलीवर करेंगे और वहाँ से हम लोग ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑयल भी अभी हम लोग बनाएंगे गाइस। तो अभी इस खेत से हम लोगों को 15 एकड़ खेत से जितना भी हम लोगों का कॉटन निकलेगा वो कॉटन हम लोग निकाल लेंगे गाइस। और तब तक साइड बाय साइड हम लोग दूसरे काम भी कर लेते हैं हम लोगों के, जैसे कि एनिमल्स को खाना खिलाना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो देखो गाइस हम लोगों का चीज़ यहाँ पे निकल रहा है। तो अभी हम लोगों के पास 27,000 लीटर दूध पड़ा हुआ है और फैब्रिक, मतलब फैब्रिक भी बन रहा है हम लोगों का यहाँ पे फैब्रिक, और उसी के साथ साथ क्लोथ्स भी हम लोगों के बन रहे। तो ये सारी चीज़ें तो होते रहेंगी। खाना हम लोगों को देख लेना है एनिमल्स को खाना। तो यहाँ पे देखो मिल्क हम लोगों का बहुत सारा प्रोड्यूस हो गया है, चिकन्स ने अंडे देना शुरू कर दिए होंगे अभी तो, और वूल भी हम लोगों का निकल रहा है, मतलब धीरे धीरे वूल भी हम लोगों का हो जाएगा कम्प्लीट। तो अभी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि क्या करने जैसा कुछ है, लेकिन अभी क्या करेंगे गाइस साइड बाय साइड हम लोग कल्टीवेटर को लेके आएंगे ताकि कल्टीवेट भी करना स्टार्ट करें साइड बाय साइड, जो हार्वेस्टर हम लोगों का है ना तो कल्टीवेट भी करना स्टार्ट करना होगा। तो मैं हॉलैंड का ट्रैक्टर यूज़ कर लेता हूँ कल्टीवेटर के लिए, बहुत जल्दी, मतलब ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कल्टीवेटर मैंने कहाँ रखा है अभी मुझे याद नहीं, कल्टीवेटर मैंने अच्छा यहाँ पर रखा होगा शायद से। और ग्रास भी हम लोगों को निकाल लेनी होगी, रेडी टू हार्वेस्ट है क्या, हम लोग देख लेते हैं, रेडी टू हार्वेस्ट ही होगी शायद से। ओके इसको, ओके रेडी टू हार्वेस्ट ही है, तो इसको भी हम लोग साइड बाय साइड कर लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, मतलब क्या होता है वो बेल्स बना लेंगे, साइलेज बना लेंगे और साइलेज को सीधा बेच देंगे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों का हार्वेस्टर, रुको रुको रुको, कल्टीवेटर धीरे 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 धीरे, कभी कभी एकदम फास्ट काम करता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, तो कभी कभी एकदम फास्ट। और प्लांटर भी मेरा यहाँ पर ही पड़ा है। तो अभी मैं कल्टीवेटर लेके जाता हूँ और कल्टीवेट भी करना स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड, मतलब हम लोगों का जो हार्वेस्टर है कॉटन वाला वो काम करेगा और ये कल्टीवेट करना स्टार्ट करेगा और प्लांटर फिर साइड बाय साइड लगा देंगे, क्योंकि कल्टीवेट होने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और आज देखेंगे गाइस कि हम लोगों का कितना कॉटन निकलता है, मतलब आप सोचोगे ना, मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 बेल तो निकलनी चाहिए, 4 बेल का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक बेल को हम लोग बेचते हैं तो $60,000 में जाती है। और कॉटन की बेल अभी तक निकली नहीं है, मतलब पूरा खेत इसने खा लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार, 3 एकड़ खेत में से मेरा लगभग, आप लोगों को मैं बताता हूँ, 2 एकड़ खेत में से हम लोगों का 8,000 लीटर सोयाबीन निकलता है, तो ये टोटल 5 एकड़ खेत है यार। तो इसमें से लगभग लगभग हम लोगों का 20,000 लीटर सोयाबीन निकलेगा, जिसकी कॉस्ट अगर हम लोग सीजन में बेचे तो हम लोगों को $60,000 से $70,000 की इस एक खेत से हम लोगों इतने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कॉटन में इन्वेस्ट किया है, तो कॉटन एक बेल हम लोगों की $50,000 से $60,000 में सेम टू सेम बिकती है, सोयाबीन कॉटन में ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कॉटन को हम लोग प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन में डालें, जिससे कि हम लोग क्लोथ्स बना सकें, तो हम लोगों को ज़्यादा मुनाफा, मतलब 3 गुना ज़्यादा मुनाफा होगा।
तो इसलिए मैं इतना मतलब ये टेक्नोलॉजी को मैंने बाय किया हुआ है। लेकिन आप लोग देख सकते हो यार, जायंट वालों ने थोड़ा तो यार हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई साहब इतना मतलब पूरा खेत निकाल लिया है, फिर भी कॉटन की एक बेल के लिए तरस गया हूँ मैं, अभी तक निकल नहीं रही है भाई। निकल जाए यार, कब से वेट कर रहा था, इतने सारे वीडियोस बनाए कॉटन का बेल निकालने के लिए, लेकिन निकल नहीं रही थी। फाइनली अभी हम लोग कॉटन बेल निकलेगी गाइस। तो गाइस अभी इतना सा बाकी, बस इतना सा बाकी, बस थोड़ा पेशेंट रखो इस वीडियो के अंदर। आपको जितना मतलब एक्साइटमेंट है ना, उससे कई ज़्यादा मेरे को है, क्योंकि मैंने यार इतना 4,75,000 डॉलर का मैंने इसको ख़रीदा हुआ है, तो यार एक बेल तो निकाल दे भाई, इतने बड़े खेत से एक बेल तो यार निकलनी चाहिए, मतलब इतना तो बनता ही है भाई, एक बेल तो निकाल दे प्लीज़ यार। मतलब क्या ही बोल सकते गाइस, ये नहीं निकल रही है भाई, नहीं निकल रही है, क्या करेंगे बताओ, बताओ गाइस, आप ही बताओ। अभी कभी कभी तो सोचता हूँ कि भाई क्या है, लेकिन चलो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा हम लोगों को। ओके अभी निकल जाएगी गाइस, अभी निकल जाएगी, मुझे लगता है हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि ये जो मशीन है ना बैक से, वो कम ज़्यादा भी होती है और कॉम्प्रेस करती है कॉटन को, और अभी बेल हम लोगों की कम्प्लीटली निकल जाएगी, अभी कम्प्लीट उधर जाते जाते तो निकल ही जाएंगी, 100% निकल जाएंगी, यानी एक खेत में से एक बेल हम लोगों की निकलेगी। तो हम लोगों का कितना 15 एकड़ है ना, तो 3 बेल हम लोगों की निकलेगी गाइस, बस यानी 1.5 लाख रुपए तो ठीक है ना, इतना इतना तो ठीक है। ये रही हम लोगों की बेल, अभी निकल जाएगी, 100% हो गया है, इसमें परसेंटेज दिखाना चाहिए तब जाके हम लोगों को पता चलेगा। फार्मिंग सिमुलेटर 22 PC वर्जन के अंदर परसेंटेज भी दिखता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज कर ही लेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे नहीं निकलती तो आगे वाले खेत में तो 100% निकल ही जाएगी थोड़े ही इसमें, बट ये एक ही पत्ती है, इसके लिए इसको भी हार्वेस्ट करना ज़रूरी है हम लोगों को, इसको छोड़ तो नहीं सकता मैं, क्योंकि कॉटन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो गाइज़ रुको, मैं तो रुक नहीं सकता भाई, मैं क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पर मिस कर दिया, कॉटन को नहीं देखा और बेल निकाल के इसने बाहर फेंक दी, तो भाई क्या करेंगे फिर, आप बताओ भाई। अभी भी निकल रही है, कितना लगेगा इसको भरने के लिए भाई, इसका कितना बड़ा गला है इसका यार, कितना खाएगी। अरे बस कर यार, निकल जा अभी, बस कर मेरी जान, कितना भर गया है दिखते, रुको हम लोग इधर देखते हैं क्या है। चल 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 भाई, एक पट्टी पूरा गाइस, अभी निकलेगी शायद, अभी निकलेगी, चल 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 चल, अरे निकल जाना यार, कब से मेहनत करवा रही है भाई, इतना भी नहीं मेहनत कराओ भाई। चलो भाई अभी भी नहीं निकली यार, ये क्या है यार, मशीन है कि क्या ये। चल अभी तो निकल जाए यार, अभी इस वाली पट्टी में निकल जाए यार, अभी चलो इस वाली पट्टी में निकल जाना चाहिए। चलो देखते हैं गाइस इस वाली पट्टी में निकलती है या नहीं। चलो इस वाली पट्टी में निकलती है या नहीं निकलती, देखते हैं गाइस। भाई नहीं निकल रही है गाइस, नहीं निकल रही है भाई, कितना भरेगी भाई, कितना भरेगी, रुको। ओके ओके निकल गई गाइस, निकल गई निकल गई निकल गई, फाइनली निकल गई, रुक गया हम लोगों का। ओ भाई निकली, ओ भाई साहब, भाई साहब हम लोगों का ये फाइनली निकल कर बेल रेडी हो चुकी है गाइस, ये देखो। तो अभी हम लोगों का कल्टीवेटर भी खाली हो चुका है, और अभी हम लोगों को प्लांट भी करना पड़ेगा कैनोला। तो कैनोला प्लान करने के लिए मुझे ये कल्टीवेटर पहले लगा देता हूँ, और फिर कैनोला प्लान करने के लिए हम लोगों को प्लांटर भी लाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों का पीछे है। तो मुझे लगता है पहले हम लोग बेल उठाकर बेल का काम कर लेते हैं, मतलब बेल को उठाकर साइड में कर लेते हैं, फिर बाद में जाके प्लांटर लगा देंगे हम लोग। तो पहले मैं बेलर, हम लोगों की जो छोटी सी ट्राली है, छोटी सी गुड़िया है हम लोगों की ट्राली,
मैं उसको गुड़िया ही बोलता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे वो छोटी सी ट्रॉली। और वो वाली ट्रॉली गाइस हम लोग फैब्रिक स्टेशन पे स्पिनरी के अंदर डाल देंगे। ओ भाई 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 भाई, बच गई, क्या उड़ाया है भाई खतरनाक तरीके से, गलती हो गई मुझसे। ये ना बहुत फास्ट जाता है ये ट्रैक्टर, और मतलब देखो यार 6 एकड़ खेत से एक निकलता है, मतलब हम लोगों का बहुत सारा। ओके इसको कैसे करेंगे यार, अभी ये जाता है क्या नहीं जाता ये, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है इसको कैसे उठाते हैं। ये आए रिवर्स, ओके चलो, ओके इजी हो गया, इजी बिजी हो गया भाई, मुझे लगा था बहुत ही हार्ड होगा। ओके चलो इजी बिजी हो गया हम लोगों का। और गाइज ये एक बेल हम लोगों का कितना मतलब हेवी है ये भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम लोग इसको स्पिनर में डाल के आएंगे। और इसका हम लोगों का एक कॉटन बेल से हम लोग कितना क्लोज बना सकते वो भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी पहले मैं कल्टीवेटर को लगा देता हूँ ताकि ये इसका काम स्टार्ट करे। इसका काम नहीं रुकना चाहिए कल्टीवेटर का, तो ये भी बराबर काम कर रहा है। अभी हम लोग स्पिनरी में जाएंगे, स्पिनरी में जाकर ये छोड़ के आएंगे फैब्रिक बनाने के लिए। तो स्पिनरी यहाँ से ही शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ से चले जाता हूँ मैं ये वाले रास्ते से। ओके पेट्रोल मेरा है तो सही ना, ओके 82% पेट्रोल है मेरा अभी भी। और अभी गाइस स्पिनरी में चले जाएंगे, और ये कॉटन बेल जो हम लोगों का बना है, जिन लोगों ने भी स्पिनरी वाला वीडियो नहीं देखा था तो वो भी देख लेना कि हम लोगों ने कैसे परचेस किया था उसको, कितने पैसे हम लोगों के। चलो ये रहा हम लोगों का, ओके ओके ओके, धीरे धीरे भाई, बराबर ये वाला जो बॉक्स है ना इसके अंदर ही खाली करना पड़ेगा हम लोगों को। चल 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 ना, अभी खाली हो जाना, चल 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 चल। ओके अभी तो सीधा कर दिया है मैंने, चल भाई खाली कर दिया। अभी अभी तो नाटक मत करना तू, अभी अभी मैंने बहुत अच्छे तरीके से, गायब हो गया। सही है गाइस, हम लोगों का फाइनली यहाँ पे कॉटन खत्म हो गया, मतलब इसके अंदर चले गया। ओ भाई साहब 20,000 लीटर भाई, एक बेल से 20,000 लीटर, मतलब आप सोच रहे हो क्या। ओके ये रहा, ये 5 नंबर दबाया तो ये कैनोला लगाना स्टार्ट कर देगा। कैनोला का टेक्सचर देखते हैं गाइस कैसा आता है टेक्सचर प्लांटर से। ओके सेम है, प्लांटर का टेक्सचर सेम ही होता है कॉटन और इसका जैसा, मतलब सेम कॉटन का और इसका टेक्सचर ही है। तो अभी ये 50% फर्टिलाइज भी हो गया है और नीड्स फ्लोइंग का स्टेटस है, तो जाने तो बाद में देखेंगे इसको। तो 2 बेल हम लोगों की निकलेगी यहाँ पर, अभी 1 बेल नहीं निकलेगी क्योंकि ये खेत छोटा है थोड़ा, और ये यहाँ पे भी काम चल रहा है, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा ना। ओके गाइस तो ये वाला जो हम लोगों का प्लांटर है इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा दिया है कैनोला। अभी मैं इसको रिफिल करके आता हूँ, और फर्टिलाइज़र तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो कैनोला बहुत सारा इसने लगा दिया है। तो अभी मैं जाकर इसको सीड इसके अंदर भर के लाऊँगा, और फिर हम लोगों का कैनोला जो सेकेंड खेत है वहाँ पर हम लोग लगा देंगे। हार्वेस्टर ने निकाला कि नहीं एक भी पैलेट, नहीं निकाला गाइस। ओके तो ये भी हम लोगों का अभी सेकेंड पैलेट निकलने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं गाइस कि हम लोगों का सेकेंड पैलेट कितना, मतलब वो भाई निकला 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 भाई, ये निकला भाई साहब सेकेंड पैलेट। ओ भाई साहब मजा ही आ गया, एक नंबर बोलते भाई, पैसा एक नंबर बोलते गाइस, मजा ही आ गया, बहुत खतरनाक सेटिस्फाइंग है यार ये, मतलब कुछ भी बोलो यार एक नंबर लगता है गाइस, एक नंबर। तो अभी क्या है ना कि ये जो बेल है इसको भी मुझे उठाना पड़ेगा ना, तो उसको उठाने के लिए मैं पहले इसको तो भर देता हूँ, इसको साइड में लगा देता हूँ। चलो तो मैं बेल को उठाकर सीधा स्पिनर के अंदर जाके लोड कर दूँगा, डिलीवर कर दूँगा। तो लूप मोड में फिर ये डिलीवर करके आएगा, अपने आप ही लोड करके आएगा ये, तो फिर अभी हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। चलो ये रहा, चलते कहाँ पर है, हाँ ये रहा यहाँ पर हम लोगों का बेल। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है यहाँ पे, चलो ये रहा, इसको सीधा करेंगे। ओके
अभी इसको हम लोग लोड करेंगे यहाँ पर, तो ये लोड होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इजी पीजी भाई, पहले में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन इजी पीजी। तो अभी हाँ चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रिएट जॉब करेंगे और इसको यहाँ पर जाके छोड़ के आएंगे। कहाँ पे हम लोगों का स्पिनरी, कहाँ पे है यार? हाँ तो ये उधर जाके रुक जाएगा, तब तक कि हम लोग बाकी का काम हम लोगों का कर लेते। तो कैनोला अभी मुझे भर के आना पड़ेगा और मैं थोड़े वूल को बेच के आता हूँ, तब जाके मैं बाकी का काम करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और पैसे अगर ख़त्म हो गए तो मेरे बाकी की चीज़ें रुक जाएगी। इसके लिए मुझे पैसे थोड़े से जमा करने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा पैलेट उठाने वाला काफ़ी गया यार। चल भाई चल, ओके ये रहा इधर, ओके चलो उठा लिया इसने तीन, ये भी उठा लिया और ये भी उठा लिया। चलो गाइज, इसने फाइनली उठा लिया है इतने सारे वुल्स के पैलेट्स। और अभी क्या है ना कि हम लोगों को ये पैलेट को बेचने जाना होगा गाइस, तो ये पैलेट को हम लोग बेच के आएंगे, तब जाके हम लोग बाकी का काम करेंगे हम लोगों का। तो मुझे ये पैलेट बेचने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, कि क्या करें यार कभी कभी तो। चलो ये रहा यहाँ पे ये, चलो बेचा, ओके $9,000 के बेच गए, क्या ही बात कर रहे हो, सही में कितना बेच गया? और ये भाई साहब ₹20,000 मिल गए इससे, भाई 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 इतना फायदा होता है क्या? $17,000 वूल से सिर्फ। भाई सोचो गाइस, हम लोगों ने शिप फार्म खरीदा था, मुझे जबकि याद है कि $90,000 का आई थिंक खरीदा था हम लोगों ने, और उसको सिर्फ हम लोग ग्रास डालते हैं और ग्रास के लिए इतना खर्चा भी नहीं लगता हम लोगों को, सिर्फ खेती हम लोगों का ये जाता है। बट देखो ना यार, वूल अभी मैंने फर्स्ट टाइम बेचा तो 17-18 हज़ार रुपये मुझे उससे मिल गए, तो यार ये तो बहुत ही बड़ी बात है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है वूल का, मतलब शिप को भी करना प्रॉफिटेबल है। मैं शिप को भी देख लेता हूँ कितनी सारी हम लोगों की शिप है, क्या हम लोगों को और ख़रीदने से और प्रॉफिट होगा क्या? ये रहा हम लोगों का प्लांटर, पर प्लांटर को मैं अभी लगा नहीं सकता क्योंकि जो हम लोगों का हार्वेस्टर है उसका भी काम आधा पड़ा है, तो इसमें तो नहीं होगा ना गाइस, एक बेल नहीं निकलेगी ना, क्या लगता है आपको? एक बेल निकल जाएगी क्या इसमें? मुझे नहीं लगता एक बेल निकलेगी, आधे से ज़्यादा हो सकता है कॉटन, लेकिन एक बेल तो नहीं निकलेगी। तो अभी हम लोगों का ये जो है ये यहाँ पर आ चुका है, बेल लेकर यहाँ पर आ चुका है, इसका मैंने काम, इसको काम दिया था मैंने यहाँ पर। तो अभी क्या, अरे आगे चले जा, आगे चले जा, नहीं तो भाई भाई लफड़ा हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता। चलो अभी चले जा यार, अभी चले जा प्लीज़ प्लीज़, अभी चले जा, चलो देखते हैं जाता है या। ओके ओके चले गया गाइस, गायब हो गया। तो अभी हम लोगों का 40,000 लीटर का इसके अंदर हो गया होगा, 40,000 लीटर। ओके कॉटन हम लोगों के पास में है 40,000 लीटर कॉटन। भाई इतना सारा कॉटन का क्या करूँगा, अचार डालूंगा क्या? और हम लोगों के पास वूल है गाइस 16,000 लीटर, मतलब हम लोगों ने अभी ना 7 पैलेट बेच दिया, अगर वो भी यहाँ पे ला के डाल देता ना मैं, तो हम लोगों के पास 25,000 लीटर के आसपास वूल भी हो जाता, लेकिन इतनी नीड नहीं है अभी हम लोग, क्योंकि हमारी एक साइकिल जो बनती है, एक साइकिल अगर एक नाइट स्किप करे तो 1400-1500, मतलब 2000, तो 20 बार में 10 बार जब नाइट स्किप करूँगा तब जाके इतना सारा प्रोडक्शन होगा फेब्रिक के अंदर। और क्लोथ्स में हम लोगों को एक बार में एक साइकिल 1080, मतलब एक बार में एक क्लोथ का पैकेट बाहर निकलता है, तो फैब्रिक भी अभी हम लोगों का बहुत सारा बनेगा, 1309 है ना, तो यहाँ पे फैब्रिक भी हम लोगों का बहुत सारा बन जाएगा गाइस। तो अभी हम लोगों का देख लेते हैं कि कितना हम लोगों का कॉटन हुआ है। ओके कॉटन भी हम लोगों का बहुत निकल रहा है गाइस। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, और कॉटन की हम लोगों ने 2 बेल्स तो निकाली है, इसमें से 3री बेल नहीं निकलेंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।